नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जननायक जनता पार्टी द्वारा आगामी 6 मार्च को रानिया हलके में गांव खारिया में हरी चुनरी चौपाल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक नैना चौटाला बतौर मुख्य वक्ता शिरकत करेंगी। यह जानकारी जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह कंबोज ने आज पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दी। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में महिलाओं को पहुंचने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए निशान सिंह ने कहा कि जननायक जनता पार्टी ने परिवर्तन लाने का काम किया है और आगे भी वह सुचारू रूप से ये कार्यक्रम करती रहेगी, जिसके लिए पार्टी को अपार समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने जुमलेबाजी की है। भाजपा को अपने कार्यकाल का हिसाब प्रदेश की जनता को देना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में जनहित के मुद्दे उठा करके प्रदेश में लोकप्रियता हासिल की है। वहीं तो दूसरी ओर सिरसा में भाजपा नेता गोकुल सेतिया द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले जाने पर निशान सिंह ने कहा कि भाजपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है। वहीं गठबंधन पर उन्होंने कहा कि गठबंधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही गठबंधन पर पार्टी विचार कर सकेगी। हाँ, लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वाली किसी भी पार्टी से जेजेपी समझौता नहीं करेगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल-पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। को अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को और तीखा करें और सक्षम करें और मेहनत ज़्यादा करें। हरी चुनरी चौपाल के कार्यक्रम है हमारा, रानिया हलके का हरी चुनरी चौपाल का कार्यक्रम है, उसी की मीटिंग, उसके लिए आज मीटिंग बुलाई थी। खारिया गांव के अंदर नैना सिंह चौटाला जी का ये कार्यक्रम रखा है और वो चौधरी देवीलाल जी की तर्ज के उनकी ऊपर उनकी सोच को लेकर के कि पिछड़े हुए को, बैकवर्ड को, हरिजन को, गिरिजन को और विशेष तौर पे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज का मातृशक्ति को, महिलाओं को इसके साथ जोड़ा जाए। तो वो हरिचुंदरी चौपाल का जो कार्यक्रम हमारे बहुत कामयाब रहे हैं, बहुत जागरूकता, बड़ी अवेयरनेस आई है महिलाओं के अंदर, माताओं के अंदर, उसको लेकर के ये जो हमारा 6 मार्च का रानिया हलके के खारिया गांव का कार्यक्रम है, उसके लिए आज हमारे साथियों की मीटिंग बुलाई थी और बाकी अन्य जिम्मेवारियां जो पार्टी ने दे रखी है वो निभाने के लिए आज यहाँ, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, वो इकट्ठे करवाने या अलग करवाने सरकार का काम है, ECI का काम है, जब भी करवाएंगे, लेकिन हम उसके लिए पूर्ण तौर पर तैयार हैं। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा उस दिन एप्लीकेशंस भी आ जाएंगी, हमारे साथी जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो भी तैयार हैं, उनको भी हम लोगों के सामने उनका चेहरा लेकर के आएंगे। ये मान के चले, जैसे मैंने कहा, परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है हमारी पार्टी और आज हरियाणा के अंदर जो समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद दुष्यंत चौटाला जी को मिल रहा है वो शायद किसी नेता में ना वो गुण हो और ना उसको मिलता, इसलिए हम मान के चलते हैं कि सरकार की जवाबदेही बनती है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत जुमलेबाजी रही है 5 वर्षों तक, उसको जवाब देना है, लोगों हिसाब देना है वही खाते के हिसाब से कि हमने क्या क्या वायदे किए थे और कितने वायदे पूरे किए। दुष्यंत जी की जहाँ छवि निखर करके सामने आई है, वहाँ उनका जो कार्यकाल रहा है 5 वर्षों का लोकसभा का, वहाँ उन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का, बेस्ट MP का, उनको रुतबा भी वहाँ मिला है, अवार्ड मिले हैं और मैं मान के चलता हूँ कि इसी तरीके से उनको पूरी हरियाणा की जनता जो है सर आँखों में बिठाने का काम करेगी, विधानसभा पहुँचाने का काम। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोगों के मनों से उतर गई थी और कोई पार्टी बढ़िया जैसे जननायक जनता पार्टी और चुनाव मैदान में नहीं थी कि अभी हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। 5 मेयर के चुनाव जीत करके और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एक चुनाव उपचुनाव जीत करके शायद ऐसा उनके मन में आ गया कि हम बहुत सक्षम हैं। मैं मान के चलता हूं कि जितना खोखलापन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिस पार्टी के सांसद बहुत बड़ा रुतबा होता है सांसद का, वो हमारे उन महान शहीदों के लिए, वीर शहीदों के लिए ये कह दे कि फौजी तो मरने के लिए होते हैं, ऐसी ऐसी भाषा, मुख्यमंत्री बहुत अपने पद से नीचे आकर के बात करते हैं, इस तरीके से बाकी नेता उनके जो जुमलेबाजी की बातें करते हैं, सरकार लोग उनसे जवाब मांगेंगे, उनके हिसाब करेंगे काम का 5 वर्षों का, और पूरे तरह से खोखला है भारतीय जनता पार्टी अंदर से।
इसी तरीके से 125 वर्ष पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है उसके 6 दल बने हुए हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि किसी में हिम्मत ही नहीं कि हमारे सामने लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव उसमें पूरी तरह से खड़े हो पाए। संजय, काफ़ी समय से जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चा चल रही है, अब आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस से भी गठबंधन के केजरीवाल जी का ध्यान आया कि कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या समझते हो, क्या आने वाले टाइम में इस पर इस तरह की बात है? देखिए, हम अभी संगठन बना रहे हैं, अभी दुष्यंत जी ने भी आपको उस दिन कहा था, मैं भी ये कहूँगा कि संगठन की तैयारी है, उसमें लगे हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि समान विचारधारा के लोग इकट्ठे हों, लेकिन अभी हमारा गठबंधन की तरफ कोई विचार नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ, पहले भी हम कह चुके हैं कि कांग्रेस का मित्र हमारा मित्र नहीं हो सकता, इसलिए हमारी जो राजनीति है वो कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। तो वो ये गठबंधन बात की बात है, पहले संगठन की बात है।